नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। अब हम बात करते हैं एल्काइंस की प्रिपरेशन की, कि एल्काइंस को किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में। तो कुछ लेबोरेटरी प्रिपरेशंस यहाँ पर हैं जिससे हम किसी एल्काइंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस में फ्रॉम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड्स, या आप ये कह सकते हैं बाय द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड्स। तो विसिनल डाई हैलाइड्स बेसिकली विसिनल और जेमिनल तो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। विसिनल ग्रुप्स में क्या होता है कि जो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा या कोई भी जो सिमिलर ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन पे अगर होता है, सपोज देन वी हैव एक इस तरीके का कंपाउंड हमारे पास सी आर एच, और यहाँ से कोई हेलोजन आपने जोड़ दिया, एंड देन सी, देन एक्स एंड देन एक्स। देखिए, दो सेम ग्रुप अगर एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं तो उनको बोला जाता है This is H. तो सिमिलर ग्रुप अगर एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होता है तो उनको बोला जाता है आपका विसिनल। तो ये है आपका विसिनल डाई हैलाइड्स, और एक्स कोई हेलोजन प्रेजेंट होगा आपका। तो विसिनल डाई हैलाइड्स का हमने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है, और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स का कंपाउंड से रिमूव होना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोला जाता है। तो ऐसा यहां पर भी होना है कि हमने कोई विसिनल डाइहैलाइड लिया हुआ है, तो इस विसिनल डाइहैलाइड की सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं KOS से, यानी विसिनल डाइहैलाइड्स इनिशियली रिएक्ट विद KOH, और यहां पर एक तरीके से एलिमिनेशन होना है। तो KOH में क्या होता है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या करता है, ये जो OH नेगेटिव है, OH का काम होता है हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करता है, KOH का जो OH नेगेटिव है वो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है। एलिमिनेट कैसे करेगा, देखो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये जो H पॉजिटिव है ये इस OH नेगेटिव से रिएक्शन करके एक तो यहां से बन गया आपका H2। तो सबसे पहले स्टेप में आपका यहां से एक H2 एलिमिनेट हुआ, और इसी टाइम पे क्या होता है कि जो K पॉजिटिव है, ये K पॉजिटिव जिस पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है उसके एडजेसेंट पोजीशन से जो हैलोजन ग्रुप है आपका, इस हैलोजन को यहां से एलिमिनेट करता है, और हैलोजन हमेशा किस फॉर्म में बाहर जाएगा आपका, नेगेटिव के फॉर्म में। तो ये जो एक्स नेगेटिव यहां से निकला ये इस K पॉजिटिव से रिएक्शन करके ये एक बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट करेगा जिसको KX बोलेंगे। तो एक KX बाहर हुआ, और जैसे X बाहर हुआ तो इस पर चार्ज आ गया आपका पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव है, बगल पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर एडजेसेंट कार्बन पर होते हैं तो वहां पर एक बॉन्ड आपका आ जाएगा, ऑलरेडी एक बॉन्ड है, एक और बॉन्ड आपको मिल गया C, और ये हो गया H एंड देन R। देखिए, सिंगल बॉन्ड से हमको डबल बॉन्ड मिल गया। तो पहले स्टेप में विसिनल डाइहैलाइड्स की, अब जो KOH होगा ये KOH भी आपका एल्कोहलिक KOH होता है, तो एल्कोहलिक KOH से अगर हम रिएक्शन करते हैं तो एल्कीन बनता है। तो पहले स्टेप में हमने एल्कीन फॉर्मेशन करी। अब इसके बाद
दूसरे स्टेप में इसकी हम रिएक्शन करते हैं NaNH2 सोडामाइट से. NaNH2 इज सोडामाइट. दिस इज फॉर्मूला Na पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव. अब ये क्या करता है देखिए, जो NaNH2 है, अब क्योंकि हमारे पास अभी डबल बॉन्ड मिला हुआ है, हमको ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट करना है, तो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए अब जो Na पॉजिटिव है ये क्या करता है, इस X नेगेटिव को यहां से लेके जाएगा, यानी C और X के बीच का बॉन्ड टूटेगा, इस पर चार्ज पॉजिटिव होगा, X पे चार्ज नेगेटिव आ गया, X नेगेटिव Na पॉजिटिव से रिएक्शन करके ये बना देगा आपका NaX. एंड फर्दर जो NH2 नेगेटिव है, अब NH2 नेगेटिव क्या है, एक तरीके से बेस है, तो ये क्या करता है हाइड्रोजन को अपनी ओर लेके जाता है, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा यहां से, H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव मिलके ये बना देगा आपका NH3. तो एक NH3 एलिमिनेट हुआ और एक सोडियम हैलाइड यहां से अलग हुआ, और दोनों के अलग होने के बाद एक बाई प्रोडक्ट, एक मेन प्रोडक्ट आपको मिल गया RC, डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी था, एक और डबल बॉन्ड इसको मिल गया C एंड देन R, ये बन गया आपका एल्काइन. दिस इज एल्काइन, यही हमको बनाना है. तो पहली रिएक्शन है फ्रॉम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स. तो हम ये कहेंगे कि जब किसी विसिनल डाइहैलाइड्स की एल्कोहलिक के वजह से रिएक्शन करते हैं तो इनिशियली एल्कीन बनता है, एंड एल्कीन फर्दर सोडामाइड से रिएक्शन करने के बाद एक एल्काइन की फॉर्मेशन करता है. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन्स. नाउ द अनदर मेथड जिससे आप किसी एल्काइन की फॉर्मेशन करते हैं वो है आपका बाय डीहैलोजिनेशन. दिस इज द सेकेंड मेथड, बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स. अब देखिए जो डीहैलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हैलोजन, हैलोजन का रिएक्टेंट से बाहर होना डीहैलोजिनेशन होता है. तो अब डीहैलोजिनेशन हमको करना है टेट्राहैलाइड्स. टेट्राहैलाइड का मतलब जहां पे चार हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे कंपाउंड्स में, उसको बोलेंगे टेट्राहैलाइड्स. सपोज आपके पास कोई एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल वी हैव आर सी, दिस इज एक्स, एक्स इज हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है, देन एक्स एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही आपके पास यहां से भी एक एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एक्स, फोर एक्स ग्रुप है आपके पास, टोटल चार हैलोजन प्रेजेंट है इसमें. तो दिस इज, अब इसको अगर हम हैलोजन की जगह पे कोई अदर कंपाउंड लें, सपोज इसकी जगह पे हम ले रहे हैं Cl, ये भी आपका Cl है, दिस इज Cl एंड दिस इज ऑल्सो Cl, यानी हैलोजन में हमने क्लोरीन को लिया हुआ है. अब जब इसका नोमेनक्लेचर आप करते हैं, और R की जगह पे भी हम चेंज कर सकते हैं, R इज CH3, इस R की जगह पे भी हम चेंज कर सकते हैं, दिस इज CH3, तो ये एक प्रॉपर कंपाउंड बन गया. अब इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे 1, 2, 3, 4, दिस इज टेट्राहैलाइड्स. टेट्राहैलाइड में भी क्या देखिए, 2, 2, दो पे क्लोरीन है, उसी दो पे दूसरा क्लोरीन है, कॉमा 3, ठीक, टेट्रा क्लोरो 1, 2, 3, 4 नंबर की कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन. तो दिस इज 2, 2, 3, 3 टेट्राक्लोरोब्यूटेन, दिस इज दी IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. तो बाय डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स में हम क्या करते हैं, कोई टेट्राहैलाइड्स लेंगे और इस टेट्राहैलाइड की रिएक्शन हम करते हैं जिंक मेटल से. इट मींस व्हेन टेट्राहैलाइड्स व्हेन रिएक्ट विद जिंक, इनिशियली ये क्या होता है, यानी दो इतना पूरा पार्ट ZN, ये जिंक क्या करता है, दो क्लोरीन को अपने साथ लेके ये बना देगा ZnCl2. अब जब क्लोरीन एलिमिनेट होते हैं तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि एक क्लोरीन पॉजिटिव के फॉर्म पे निकलेगा, एक क्लोरीन नेगेटिव के फॉर्म पे निकलेगा. तो एक नेगेटिव में जब जाएगा तो अपना पॉजिटिव इसको दे जाएगा, और ये जब पॉजिटिव में जाएगा तो इसका नेगेटिव इसको मिलेगा. तो यहां पे क्या होता है, ये बन गया आपका CH3 C. अब एक Cl अपनी जगह पे, यहां पे
पहले सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में, अब आपको मिल गया डबल बॉन्ड एंड देन आर ऑलरेडी इसके पास है और एक और हेलोजन आपके पास है, यानी इनिशियली सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड एंड फर्दर दिस प्रोसेस इज अगेन रिपीट एंड फर्दर इट रिएक्ट विद जिंक एंड देन फाइनली दिस जिंक इज एलिमिनेट इन दिस टू हाइड्रोजन्स हेलोजन्स एंड देन इट एलिमिनेट ZnCl2। अब यहां से जिंक क्या कर रहा है, फिर वही प्रोसेस दो क्लोरीन को अपने साथ लेके ZnCl2 बना दिया, क्योंकि जिंक प्लस टू चार्ज का होता तो दो क्लोरीन हमको मिलेंगे एंड फाइनली हमको आपको मिल गया CS3C, एक और इनके बीच में बॉन्ड आ जाएगा C एंड देन CS3। दिस इज ब्यूटेन ब्यूटाइन, तो ये भी आपका हो गया एक एल्काइन। तो दिस इज द मेथड जिससे आप एल्काइन की फॉर्मेशन करते हैं, वो है बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। तो आप ये कहेंगे कि टेट्राहैलाइड्स में जिसमें 2-2-3-3 टेट्राहैलाइड्स टेट्राक्लोरोब्यूटेन का हम क्या करते हैं जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहां से इनिशियली डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एंड फाइनली दिस प्रोसेस इज अगेन रिपीट एंड इट गिव्स करस्पॉन्डिंग एल्काइन्स। तो दिस इज अनदर मेथड जिससे आप क्या करते हैं एल्काइन्स की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन्स इज बाय कैल्शियम कार्बाइड, दिस इज लास्ट मेथड, बाय कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड से कैसे आप एल्काइन्स की फॉर्मेशन करते हैं इसको हम देखते हैं। होता है जनरली कैल्शियम कार्बाइड को अगर हम H2O के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म एल्काइन। फॉर एग्जांपल दिस इज कैल्शियम कार्बाइड CaC2 एंड दिस कैल्शियम कार्बाइड CaC2 विल रिएक्ट विद H2O, इसको हम रिएक्ट करा देंगे किसके साथ, H2O के साथ। तो क्या होता है कि एक तो यहां से बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस और एक और बाय प्रोडक्ट यहां से बाहर निकलता है, क्योंकि कैल्शियम की अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बना देगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इट मींस H2O के टू मॉलिक्यूल्स हमको लेने पड़ेंगे, क्योंकि दो हाइड्रोजन प्लस टू हाइड्रोजन फोर हाइड्रोजन एंड टू ऑक्सीजन दैट इज बैलेंस। तो आप ये कहेंगे कैल्शियम कार्बाइड वन रिएक्ट विद वाटर देन इट गिव्स करस्पॉन्डिंग एल्काइन, दिस इज एसिटिलीन एंड दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन। और एसिटिलीन की फॉर्मेशन को आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो ये तो थी एल्काइन्स की प्रिपरेशन की मेथड्स, कैसे हम एल्काइन्स को फॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में। तो अब इसके बाद हम एल्काइन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन्स। तो एल्काइन्स की बहुत सारी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें पॉलीमराइजेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन्स। ऐसे ही लॉन्ग शॉर्ट चेन एल्काइन से लॉन्ग चेन एल्काइन्स का पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एल्काइन्स की। इसके अलावा और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन शो करता है एल्काइन्स, तो जिसमें सबसे पहली रिएक्शन हम बता रहे हैं एडिशन रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन मीन्स अगर कोई रिएक्टेंट किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो रिएजेंट का जो टोटल पार्ट है वो रिएक्टेंट के साथ ऐड हो जाता है और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन की एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है कि एडिशन रिएक्शन में कोई बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ टोटल ऑफ द रिएजेंट इज एडेड टू रिएक्टेंट। तो इस तरीके से हम एडिशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। अब एडिशन में भी सबसे पहली बात हम ये कर रहे हैं एडिशन विद हैलोजन। इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं
एडिशन विथ हेलोजन. तो हेलोजन के साथ एडिशन रिएक्शन करनी है. तो हम ये कहते हैं कि व्हेन एनी सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच दिस इज एन एल्काइन दैट इज एसिटिल व्हेन इट रिएक्ट विद ब्रोमीन Br bromine is Br2 and this reaction takes place in the presence of CCl4 carbon tetrachloride ke presence mein reaction hoti hai and finally isse ek product aapko milta hai CHBr then CHBrnBr yani टोटल ऑफ द डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड जितनी बार डबल बॉन्ड टूटेगा उतनी बार ब्रोमीन का एडिशन होगा. अब कैसे होता है उसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं. नाउ मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या होता है देखिए. सबसे पहले जो रिएक्टेंट आपने लिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी हम एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे. ब्रोमीन के एक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस हमारे पास किसकी है CCl4 की. तो क्या होता है देखिए, सबसे पहले ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूटता है क्योंकि ब्रोमीन अलग होगा. एक ब्रोमीन पॉजिटिव बन गया, एक ब्रोमीन नेगेटिव बना. और सिमिलरली यहां पर क्या होगा, जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें पाई बॉन्ड है, एक नेगेटिव बना एक पॉजिटिव. तो क्या होगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ा और ये बन गया आपका CHBr डबल बॉन्ड CH Br. यानी एक बॉन्ड टूटा, एक एक ब्रोमीन ऐड हो गया. अब ये प्रोसेस फिर रिपीट होगी क्योंकि अभी हमारे पास सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन नहीं हुआ है क्योंकि डबल बॉन्ड बना हुआ है. तो कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को फिर जाके हमने तोड़ना है. तो फर्दर इसका ब्रोमिनेशन करेंगे आप और रिएक्शन में आपने लिया हुआ है CCl4. दिस इज अ रिएजेंट. फर्दर सेम प्रोसेस होनी है. ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन पॉजिटिव बना, एक ब्रोमीन नेगेटिव और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल एल्कीन है यहाँ पे, तो कहीं भी आप बॉन्ड को डिसोसिएट कर सकते हैं. तो क्या होगा देखिए, इस ब्रोमीन इसके साथ जुड़ गया, एक नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव के साथ ऐड हुआ. तो ये बन गया आपका CH. एक ब्रोमीन ऑलरेडी इसके पास जुड़ गया था, एक और ब्रोमीन इसके साथ ऐड हो गया. कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ गई, एक और ब्रोमीन इसके साथ ऐड हो गया एंड फाइनली ये क्या हो गया आपका H. दिस इज 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन. दिस इज द कंपाउंड 1,1. देखिए 1 पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, 1 पर ब्रोमीन है, उसी 1 पर दूसरा ब्रोमीन है, देन 2 पर भी ब्रोमीन है और उसी 2 पर एक और ब्रोमीन है. 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन. दिस इज 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन. तो ये है आपका एडिशन रिएक्शन और एडिशन विद हैलोजन. दिस इज अ फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन्स, एडिशन रिएक्शन. नाउ इन द सेकंड केमिकल रिएक्शन इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. तो एसिड एल्काइन्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं आपका पॉलीमराइजेशन. दिस इज बी पॉलीमराइजेशन. बेसिकली जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है देखिए, जो रिएक्टेंट है वो मोनोमरिक होगा, इसको बोलते हैं मोनोमर. तो मोनोमर का जब क्या होता है पॉलीमराइजेशन होता है तो इसके पॉलीमराइजेशन से बनता है पॉलीमर. तो हम ये कहते हैं द कन्वर्जन ऑफ मोनोमर यूनिट इंटू पॉलीमर यूनिट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. यानी बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स का रिपीटेशन होगा और उनके रिपीटेशन से फाइनली क्या होगा, एक ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है और उस ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है पॉलीमर. तो एल्काइन्स की भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि एल्काइन्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जब रिपीटेशन होता है और उसके रिपीटेशन से क्या होता है, एक लॉन्ग चेन या साइक्लिक चेन टाइप का कोई कंपाउंड बनता है और उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं पॉलीमराइजेशन. तो एल्काइन्स पर दो तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है. नंबर ए, पहला है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन. साइक्लिक पॉलीमराइजेशन
रिएक्शन। तो एक तो होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, और दूसरा इसी के अंदर होता है ओपन चेन पॉलीमराइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्काइन्स में दो तरीके का पॉलीमराइजेशन होता है, एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन एंड सेकंड वन इज ओपन चेन पॉलीमराइजेशन। अब देखिए ये साइक्लिक चेन एंड ओपन चेन पॉलीमराइजेशन क्या होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, मोर देन वन एसिटिलीन के जो मॉलिक्यूल हैं, सपोज हम बात कर रहे हैं एसिटिलीन की CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे एक और मॉलिक्यूल हमने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सिमिलरली एक और हम मॉलिक्यूल लेने जा रहे हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। When three molecules of acetylene are polymerized by the addition polymerization, यहाँ पर जो polymerization होता है वो addition polymerization होता है, क्योंकि ये तीनों के तीन एक दूसरे के साथ add हो जाएंगे। तो addition polymerization हुआ इनका, this is known as addition polymerization। तो addition polymerization में क्या होता है, जो monomer units होती है, these are the monomer units, three monomer unit है, इन थ्री मोनोमर यूनिट्स के बीच में एडिशन रिएक्शन होगी और इनके एडिशन से फाइनली क्या होगा, एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। और कैसे बनता है देखिए मैं बता रहा हूं आपको, इसको लिखने का तरीका और हम थोड़ा सा लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए सबसे पहले एक मोनोमर यूनिट को देखिए जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या होता है कि सबसे पहले ये पाई बॉन्ड टूटता है, क्योंकि एडिशन जब होगा तो चार्ज हमको क्रिएट करने पड़ेगा। तो चार्ज कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि दोनों सिमिलर कार्बन है तो कहीं भी इसके बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, एक नेगेटिव बन गया एक बन गया आपका पॉजिटिव। अब क्या होता है देखिए, जैसे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके एडजेसेंट पोजीशन का जो कार्बन है इस पर हमको पॉजिटिव चार्ज लाना होता है। तो पॉजिटिव लाने के लिए जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसके पाई बॉन्ड को भी हमने तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे डिसोसिएट करेंगे, देखिए इसके अपोजिटली हम इसको तोड़ेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए इस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे अपोजिट चार्ज होंगे तभी वो आपका बॉन्ड बनाएंगे। अब क्या हुआ, जो तीसरा मोनोमेरिक यूनिट है उसको हमने कनेक्ट करना है इससे, तो इस पर कैसा चार्ज चाहिए आपको, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर पॉजिटिव बॉन्ड तोड़ दिया, इस पर नेगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव। अब क्या हुआ देखिए, ये जो नेगेटिव सी एच है ये इसके साथ जुड़ेगा, इसका जो पॉजिटिव सी एच है ये इसके साथ जुड़ेगा, इसका जो सी एच नेगेटिव है ये इसके साथ। तो इस तरीके से एक ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, देन CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज बेंजीन, यानी ट्रिपल बॉन्ड टूटा डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन की चेन साइक्लिक साइकिल बन गई और दिस इज बेंजीन। अब देखिए इस बेंजीन का फर्दर हम रिडक्शन करेंगे, इसका और हम क्या करते हैं रिडक्शन, रिडक्शन किसे लिए, रेजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हमको करनी है। तो बेंजीन फर्दर रिड्यूस्ड, देन अब देखिए रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ एडिशन को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन किस तरीके से होता है, देखिए एक मैं दिखाता हूं क्या होगा, देखिए अब HH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, एक H पॉजिटिव बन गया एक H नेगेटिव, तो ये पाई बॉन्ड जो है ये टूटेगा, आप ये एक पॉजिटिव वाला बन गया एक नेगेटिव, यानी एक H इसके साथ जुड़ गया एक H इसके साथ जुड़ा, ऐसे ही थ्री टाइम ये भी पाई बॉन्ड टूटेगा ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा, इट मींस थ्री टाइम इसका रिडक्शन आपको करना है, और ईच कार्बन कार्बन पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, और हाइड्रोजन आने के बाद ये जो है साइक्लोहेक्सेन बना देता है, और ये साइक्लोहेक्सेन ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा इनके पास, दिस इज एच एन एच, ईच कार्बन के पास टू हाइड्रोजन आपको मिलेंगे और वो इस तरीके से बना देता है एच 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 एंड देन एच, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो हम ये कहेंगे एसिटिलीन का जब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है तो इनिशियली बेंजीन की फॉर्मेशन होती है,
बेंजीन का जब फर्दर रिडक्शन होता है तो इसके फर्दर रिडक्शन से बनता है साइक्लोहेक्सेन. तो दिस इज द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिलीन. नाउ अनदर पॉलीमराइजेशन इज ओपन चेन पॉलीमराइजेशन. तो ओपन चेन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि टू और मोर देन टू या वन और मोर देन वन मोनोमेरिक यूनिट्स आर एड इन ईच अदर एंड इट फॉर्म अ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स दैट इज एल्काइन. फॉर एग्जांपल वी हैव अ ओपन चेन में, सपोज ओपन चेन में हम एसिटिलीन ले रहे हैं इस तरीके से CH ट्रिपल बॉन्ड CH. इसका एक और यूनिट ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH. तो अभी हमारे पास दो मोनोमेरिक यूनिट है, टू मोनोमेरिक यूनिट्स. टू मोनोमर्स, एक CH एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है, एक दूसरा, यानी दो मोनोमर्स हमने लिए हुए हैं. इन टू मोनोमर्स का हम क्या करते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन. और एडिशन पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस हम करते हैं आपका CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रिक भी ले सकते हैं CU2Cl2 एंड साथ में हम लेते हैं NH4OH. दीज आर द रीजंस इन दिस केस जिसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होना है. तो आप ये कहेंगे कि ओपन चेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक मोनोमेरिक यूनिट एल्काइंस की एडिशन रिएक्शन करने के बाद एक हायर मेंबर्स के एल्कीन्स या एल्कीन्स में कन्वर्जन होता है, यानी एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्जन होता है इन दिस केस, या एल्कीन का टाइप. देखिए होता क्या है इसमें, देखिए बनेगा कैसे. सपोज सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच का मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है. अब क्या होगा, देखिए पाई बॉन्ड टूटा, एक पॉजिटिव चार्ज का हो गया, दूसरा नेगेटिव. सेम वे कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा, इसमें क्या हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो एक बॉन्ड बना देगा. तो ये हमारा बन गया आपका सी एच डबल बॉन्ड सी एच, देन सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच. एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना है, एक पर नेगेटिव. तो इस तरीके से क्या होगा, एक लॉन्ग चेन यूनिट बनती है और उस लॉन्ग चेन यूनिट में इतनी यूनिट का एक तरीके से रिपीटेशन होता है, यानी दिस इज अ सिंगल यूनिट ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलीमर. तो इसको बोलते हैं ओपन चेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसमें टू और मोर देन टू मोनोमेरिक यूनिट आपस में एडिशन रिएक्शन करती हैं और उनके एडिशन से फाइनली क्या होता है, एक ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनता है और इस ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर. तो दो तरीके के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है एल्काइन्स में, एक ओपन चेन पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है आपका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन. तो दिस इज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. नाउ फाइनली एक और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन. दिस इज अनदर टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन्स, दिस इज ओजोनोलिसिस. जैसे एल्कीन्स में ओजोनोलिसिस होता है, सिमिलरली एल्काइन्स भी ओजोनोलिसिस प्रोसेस को शो करते हैं. एंड ओजोनोलिसिस में क्या है, सपोज आपके पास कोई एल्काइन का मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड देन CH3, दिस इज अ काइंड ऑफ एसिटिली एल्काइन, दिस इज ब्यूटाइन. तो ब्यूटाइन वन रिएक्ट विद ओजोन O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2 एंड देन जिंक, देन H2O2 राइट, H2O2 एंड जिंक, देन इट गिव्स करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट. अब क्या प्रोडक्ट बनता है इसकी हम इसकी मैकेनिज्म में देखते हैं. तो हम ये कहेंगे एल्काइन्स के ओजोनोलिसिस में कोई एल्काइन्स की अगर हम रिएक्शन करते हैं ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड एंड जिंक, देन इट गिव्स करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट. नाउ द मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म में क्या होता, देखिए जो हमारा रिएक्टेंट है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, दिस इज ब्यूटाइन, इसको हम लेंगे तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसको हम रिएक्ट करते हैं ओजोन से. ओजोन का जब ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखेंगे आप तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ओजोन का. ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे
और एक ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इस तरीके से हम ओजोन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ओजोन की हम रिएक्शन कराएंगे इसके एसिटिलीन के मॉलिक्यूल से। अब देखिए इसका साइक्लाइजेशन होना है, तो साइक्लाइजेशन कैसे होगा, देखिए सबसे पहले पाई बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। पाई बॉन्ड डिसोसिएट कैसे होगा, देखिए एक पर पॉजिटिव, जहां से बॉन्ड टूट रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, और जिसके साइड पर बॉन्ड टूट रहा है यानी इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये ले रहा है, तो इसका मतलब इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज बन गया। सॉरी, अब नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको भी हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव के साथ रिएक्शन करे और ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो एक साइक्लिक प्रोडक्ट आपको मिलेगा और वो साइक्लिक प्रोडक्ट है CH3C। अब ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड एंड देन इट गिव ऑक्सीजन एंड दिस इज नोन एज ओजोनोइड। तो दिस इज प्राइमरी ओजोनोइड, इसको बोला जाता है प्राइमरी ओजोनोइड। एंड फर्दर The rearrangement of primary ओजोनोइड, अब प्राइमरी ओजोनोइड का क्या होगा एक तरीके से रीअरेंजमेंट। नाउ रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी ओजोनोइड इट गिव्स सेकेंडरी ओजोनोइड, और सेकेंडरी ओजोनोइड में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये भी डिसोसिएट होगा, तो डिसोसिएशन के बाद ये बन गया आपका CH3C एंड दिस वन, दिस इज सेकेंडरी ओजोनोइड। यानी क्या हुआ कि इसका रीअरेंजमेंट हुआ और रीअरेंजमेंट के बाद एक और ओजोनोइड यहां पर बन रहा है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी ओजोनोइड। और ये जो सेकेंडरी ओजोनोइड है, अब क्या होता है इसका हम करते हैं H2O से रिएक्शन, इट रिएक्ट विद H2O, तो यहां से एक कीटोन फॉर्मेशन होती है, और वो कीटोन फॉर्मेशन क्या होती है इसको बोलते हैं डाइकीटोन्स। दिस इज यानी ये रिएक्शन होगी, सॉरी ये दिस, एक ये बॉन्ड टूटना है आपका, एक ये बॉन्ड टूटना है, तो क्या होगा एक ये बॉन्ड आपका टूटना है, तो थ्री बॉन्ड्स एक टाइम पे क्लियर होते हैं, तो तीन बॉन्ड के डिसोसिएशन के बाद ये बनाता है आपका डाई कीटोन। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, जब आप एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस कर रहे थे वहां से एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की फॉर्मेशन होती थी, बट इन केस ऑफ दिस वन जब आप एल्काइन्स का ओजोनोलिसिस करते हैं तो पहले प्राइमरी ओजोनोइड फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी ओजोनोइड का फर्दर रीअरेंजमेंट होगा, उससे सेकेंडरी ओजोनोइड फॉर्मेशन होगी, एंड फाइनली सेकेंडरी ओजोनोइड इज कन्वर्टेड इनटू डाइकीटोन्स। दिस इज ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन्स। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं एल्काइन्स की। तो एल्काइन्स की प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का हमने जिक्र किया। थैंक यू।